तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोगों में। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा। तो आज फिर से आ गए इन खतरनाक वीडियो के साथ एडिटिंग के लिए। तो देखिए, इस वाले फोटो को हमने कुछ इस टाइप का एडिट किया है एकदम बॉल तरीके से। तो आप लोग को भी बताऊँगा इस टाइप का एडिट कैसे किया है हम इस वाले फोटो को हमने। तो सबसे पहले हम इस वाले फोटो को बिना किसी देरी के बता रहा हूँ, कोई स्किप वाली वीडियो एडिट नहीं किया हूँ, ठीक ना। पूरा रियल चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाले फोटो को लेकर चलते हैं जल्दी से स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर। तो वहाँ से हम लोग डिटेल्स को अच्छे से इंक्रीज करेंगे इस फोटो में। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम बिंदास चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू चैनल एकदम दबा कर सपोर्ट दिखाइए। तो सबसे पहले हम चलते इस वाले फोटो को स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर लेकर। तो हम लोग देखिए इस वाले फोटो को स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर लेके आ चुके हैं। तो देखिए अब हम लोग को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले फोटो में हम लोग डिटेल्स को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स वाला ऑप्शन पाएंगे। टूल्स वाला ऑप्शन पाने के बाद फिर हम लोग आएंगे डिटेल्स वाला ऑप्शन। डिटेल्स वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है। डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर शार्पिंग इंक्रीज करना है। शार्पिंग इंक्रीज करना, हल्का सा इंक्रीज करना है, यहाँ से डन करना। अब डन करने के बाद देखिए अब हम लोग इस वाले ऑप्शन पाना है। इस वाले ऑप्शन पा जाने के बाद फिर हम लोग को इस वाले ऑप्शन पाना है। देखिए इस वाले ऑप्शन पा जाना, फिर इस वाले ऑप्शन पा जाने के बाद फिर हम लोग को इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद सिर्फ कपड़े पर चला लेना है। इस टाइप से पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे भी और ऐसे वीडियो आएगा, ठीक ना। तो देखिए इस टाइप से कर लेना है। जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, हेयर पर भी कर लेता हूँ इस टाइप से। देखिए पूरा रियल चीज़ है, कोई फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल है, दवा का सपोर्ट देखा या फिर लोग का चैनल है, ठीक ना। यहाँ से डन करते हैं। यहाँ से डन हो जाने के बाद अब क्या चीज़ करना है, अब हम लोग आना टूनर कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पर। टूनर कंट्रास्ट ऑप्शन कहाँ था देखिए यहाँ पर है। टूनर कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पाने के बाद यहाँ से क्लिक करना है। टूनर कंट्रास्ट ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करना। अब देखिए सब कुछ नहीं रहने देता है, सिर्फ कपड़े हेयर पर बस ड्रा कर देना है, जैसे जैसे बताएं उसी टाइप से आना है पर जाकर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ कपड़े और हेयर पर चला लेना इस टाइप से। फिर इसका बैकग्राउंड को हम लोग रिमूव करके मिलेंगे पिक्सआर्ट वाले एप्लीकेशन के अंदर। सारा रियल चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से होता हो जाएगा, यहाँ से डन कर लेते हैं हम लोग इसका। यहाँ से डन करके इस वाले फोटो का बैकग्राउंड हम लोग को कट करके, अब इसका बैकग्राउंड आप लोग फोटो रूम से भी कट कर सकते हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड इरेजर ऐप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकग्राउंड कटआउट करके मिलते हैं हम लोग पिक्सआर्ट वाले एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड के साथ। अब देखिए इस वाले बैकग्राउंड के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर अगर बिंदास डाउनलोड कर दीजिएगा। जब बैकग्राउंड को डाउनलोड करना जाएगा तो चैनल को बिंदास सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या चीज़ करना है, फिर हम टूल्स वाला ऑप्शन पाएंगे, फिर रिसाइज वाले ऑप्शन पाएंगे, फिर यहाँ पर 5000 लिखेंगे, यहाँ से रिसाइज कर देंगे तो जो हम लोग मॉडल का फोटो ऐड करेंगे वो बिल्कुल नहीं फटेगा, ठीक है। यहाँ से रिसाइज कर देते हैं, 25-29 यहाँ पर आया, इसमें देखिए जगह था वही, फिर से टाइप करना है 25-29 करना है, फिर रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद अब यहाँ से हम लोग जो स्नैपशॉट फोटो में जो सेव किया था उसका मॉडल को पीएनजी को फिर से यहाँ पर ऐड करते हैं। देखिए अपने मॉडल के पीएनजी को क्लियर करने के बाद देखिए अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक। तो यहाँ से जूम करना है फोटो को इस टाइप से, हल्का सा तिरछा रोटेट कर लेना है इस टाइप से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से अच्छे से एडजस्ट करना है, यहाँ से इरेजर पाना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अच्छे से चला लेना है इस ब्रश को, अच्छे से आप लोग चला लीजिएगा। देखिए इस टाइप से चला लेना है। उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दूंगा, चैनल को अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फैमिली 1K फैमिली जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब यहाँ से इरेजर पर आते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं जहाँ अंगूठा इरेज कर ले ताकि रियल लास्टिक लुक आ जाए। एक एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1K फैमिली जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, अभी और खतरनाक वीडियो आएगा मेरा वीडियो हेयर के लिए। मैं हेयर बहुत अच्छा एडिट करता हूँ, ठीक ना, उसका भी ट्यूटोरियल आप लोग को मिलेगा। यहाँ से इतना हो जाए, यहाँ से देखिए इस टाइप से इतना जब यहाँ से फोटो को डन कर लेना है। यहाँ से डन कर लेते फोटो को डन करने के बाद अब देखिए क्या चीज़ करना है। इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से फोटो को सेव करके चलते हैं जल्दी से ऑटोडेस्क वाले एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से सेव करके तुरंत ही चलते हैं ऑटोडेस्क वाले एप्लीकेशन के अंदर। हम देखो ऑटोडेस्क स्केच एप्लीकेशन अंदर आ जाने के बाद देखिए हम लोग को करना क्या चाहिए। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा कि किस कौन सा ब्रश लें कि फेस अच्छे से स्मूथ होगा, कौन सा ब्रश लें कि हेयर अच्छे से एडिट होगा, तो सारा कुछ बताऊंगा, ठीक ना। तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ब्रश वाला टूल पाएंगे सॉफ्ट इरेजर 1 को ले लेना। देखिए इसका सेटिंग आप लोग स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिए, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ, तो इसके चाहिए मत चैनल को सब्सक्राइब जो इसका देखा सेटिंग है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए इसका सेटिंग कितना है, फॉलो स्ट्रेंथ सब 18 है, साइज को अपने हिसाब से रखिए, और देखिए फेस को ऐसे स्मूथ कर लेना।
देखिए इस टाइप से जल्दी स्मूथ कर लेना, जल्दी जल्दी आप लोग आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं, बॉडी को स्मूथ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए इस टाइप से ब्रश चला लेना है, देखिए बिल्कुल लाइनिंग नहीं आएगा, ठीक ना। सारा चीज़ बताऊँगा आप लोग को, चैनल को सब्सक्राइब कर 1K फैमिली जल्दी से कम्प्लीट कर दीजिए। देखिए इस टाइप से और फेस पर भी स्मूथ कर लेते हैं जल्दी से। ये जो बैकग्राउंड है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर जाएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से भूलना नहीं है। देखिए इस टाइप से मैं वीडियो को जल्दी जल्दी फास्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। अब देखिए फेस स्मूथ हो जाने के बाद हम लोग हेयर भी रहने देते हैं। हम आते हैं लेयर वाले ऑप्शन पर, फिर से एक नया लेयर टैप करेंगे। नया लेयर टैप करने के बाद अब देखिए इस चीज़ का स्क्रीन शॉट आप लोग जरूर से रख लीजिएगा। फेस पर पेंट बता दे रहे हैं कि कितना करना है। देखिए यू का देखिए आप लोग को 30 के रेंज में रखना है, यू को आप लोग 30 के रेंज में रख लीजिए। यू सेचुरेशन लुमिनेशन लिखा है, ठीक ना, लुमिनेंस लिखा है, लुमिनेशन नहीं लिखा। तो देखिए इसको 30 के रेंज में रखना है आप लोग को, देखिए इस टाइप से रख लेना। और सेचुरेशन का कितना रखना है, तो सेचुरेशन को आप लोग को 70 के रेंज में रखना है, मतलब 70, हाँ 70 के रेंज में रख सकते हैं, बस इतना 70 के रेंज में इतना। और लुमिनेंस को देखिए कितना रखना है, लुमिनेंस को आप लोग को 80-90, हाँ 90 के रेंज में रख लीजिए। देखिए इसका आप लोग स्क्रीन शॉट जरूर से ले लीजिए ताकि आप लोग फेस को अच्छे से पूरा कर सके। इतना देर बाद लेयर ले लीजिए। अब देखिए इस वाले ब्रश को ले लेना आप लोग को, बॉल पॉइंट पेंट को, देखिए बॉल पॉइंट पेंट को लेना है। इसका देखिए साइज उससे कुछ से कोई मैटर नहीं है, बस अपने से बॉडी पर से चला लेना है। तो मैं जल्दी चला लेता हूँ, वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हम देखिए इस टाइप से फेस पर अपने चेहरा लाइन के बाद यहाँ से आएंगे लेयर पर, जिस लेयर पर लिए थे उसी लेयर पर टैप करना है। टैप करने से ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ठीक। इसका ओपेसिटी को कम करना है, फिर इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग को चेंज कर देना है। तो हम लोग इसका ब्लेंडिंग मोड देखिए क्या क्या चीज़ रखें, हम लोग इसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर देना है। सॉफ्ट लाइट करने के बाद देखिए इसका थोड़ा सा ओपेसिटी को हम लोग को कम कर देना है, इस टाइप से इतना ओपेसिटी को कम करना है। कम करने के बाद फिर आना हम लोग को कलर बैलेंस पर आ देना। कलर बैलेंस आप लोग को देखिए यहाँ पर मिलेगा, कलर बैलेंस बनाना है, यहाँ से कलर को ठीक से एडजस्ट कर देना है, ठीक। इसका हाइलाइट्स को कम कर देना है कुछ इस टाइप से, फिर यहाँ से डन करना है। फिर आना फिर से लेयर पर टैप, फिर उसी पर टैप करना है, फिर HCL एडजस्टमेंट है कलर बैलेंस के बगल में ही है। फिर यहाँ से लाइट को इंक्रीज कर देंगे इस टाइप से, इतना देर बाद यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ से फिर आर लेयर सभी लेयर को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद फिर से हल्का से स्मूथ कर लेते हैं, फिर उसी वाले ब्रश को लेंगे, फिर स्मूथ कर लेंगे इस टाइप से, इसे से स्मूथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आना। सारा चीज़ रियल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को फेक नहीं बताऊँगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब किए रखे, देखिए कितना अच्छे से देखिए कलर ग्रेडिंग हुआ। अब इतना मतलब अब क्या चाहिए, अब हम लोग हेयर बनाना था, फिर जाएंगे ब्रश सर्ट पर, ब्रश सर्ट पर देने पर फिर आपको आना है स्थेटिक पेंट पे ही आना है। स्थेटिक पेंट के देखिए आप लोग इस वाले ब्रश को लेना है हेयर को अच्छे से बनाने के लिए। तो आप लोग को हेयर के पूरा टोटल चाहिए तो 1K सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट कीजिए और सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक ना। इस वाले फोटो मेरे इंस्टाग्राम पर देख लीजिएगा, मिस्टर फोटो जो है 752 है, वहाँ पर देखिएगा इस फोटो में क्या चीज़ कमी है, ठीक। फिर आप लोग बताइएगा, देखिए इस टाइप से चला लेना है, यहाँ से हाई वॉल्यूम दे देते हैं थोड़ा सा, देखिए इस टाइप से चला लेना है, देखिए। हम यहाँ से फोटो को डन करके चलते हैं जल्दी से हम लोग स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर आ जाने में देखिए अब क्या चीज़ करना है, सारा चीज़ रियल बताने वाला हूँ आप लोगों को, फेक बिल्कुल नहीं बताऊँगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए,
वन के फैमिली जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ऐसा ही और भी खतरनाक खतरनाक वीडियो आएगा। ठीक है, तो पहले अगर टूल्स वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पाएंगे, आ जाने पर फिर अपने फेस पर लाइट को इंक्रीज करेंगे। देखिए इस टाइप से इतना हो गया, यहाँ से डन कर दें। डन हो जाएगा, अब क्या चीज़ करना, हम लोग आना है डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। डिटेल्स वाला ऑप्शन को इंक्रीज करना है इस टाइप से, हल्का सा इंक्रीज करना है। कपड़े और हेयर पर चला लेंगे इस टाइप से, देखिए सारा चीज़ बताने वाला, पूरा रियल एडिट होगा। ठीक ना, पूरा सीवी एडिट टाइप से हो जाएगा। देखिए इस टाइप से चला लीजिए और हेयर पर इस टाइप से चला लीजिए, देखिए क्लियरिटी पूरा आ जाएगा। अभी तो यहाँ से डन कर लेंगे। डन कर अब क्या चीज़ करना है, अब हम लोग आना फिर टूल्स वाले ऑप्शन पर आना, फिर आना टूनल कंट्रास्ट पाना, फिर यहाँ से इंक्रीज करेंगे। कपड़े और हेयर के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक बता रहा हूँ। ठीक ना, बस चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए आप लोग, और खतरनाक वीडियो आएगा। यहाँ से भी वीडियो पाना है, कपड़े और हेयर पर चला लेना है। देखिए इस टाइप से कपड़े और हेयर पर चला लेना इस टाइप से। अब क्या चीज़ करना है, फिर से ना टूल्स वाला ऑप्शन पर ना, फिर ब्रश पाना है, ब्रश पाने पर एक्सपोजर को लेना है और सिर्फ इस साइड चला लेना है, साइड साइड में कपड़े का साइड साइड में चला लेना है, ताकि अच्छे से लाइट आ जाए। देखिए इस टाइप से चला लेना है और हल्का सा इस जगह चला लेते हैं और हल्का सा इस जगह चला लेते हैं इस टाइप से, और यहाँ से डन कर लेते हैं। देखिए बिफोर आफ्टर, देखिए अब इतना होता है। फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पाना, फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पा जाने के बाद फिर आना हम लोग को ब्रश वाला ऑप्शन पर। ब्रश वाला फिर सेचुरेशन को यहाँ से लेना है, फिर हल्का हल्का चला देना है इस टाइप से। देखिए यहाँ से डन कर देना है, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग आना टूल्स वाला ऑप्शन पर, सेलेक्ट वाला ऑप्शन पाना है, फिर लिप्स पर लाना है। लिप्स पर ले आने के बाद इसका सेचुरेशन जो हम लोग फुल कर देना है, सेचुरेशन फुल करना है, डन करना। डन करने के बाद आना है वीव एडिट्स पर, वीव एडिट्स पर आ जाने के बाद सिलेक्ट पर टैप करना है। सिलेक्ट पर टैप करने पर ब्रश वाले पर टैप करना है, फिर इसका देखिए यहाँ से 100 रहते हैं, यहाँ से हम लोग 50 कर लेंगे, 50 कर लेंगे और लिस्ट पर चला देंगे इस टाइप से, ताकि लिस्ट पर कलर आ जाए। देखिए इस टाइप से हम, देखिए यहाँ से फोटो को डन करते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, न्यू चैनल है, दबा के सपोर्ट दिखाइए, बिंदास एकदम।